प्रेत कैलन हम कैसे भैया अरे वाह क्या खूबसूरत तुम्हें भगवान ने बनाया है उका है कैसे अरे खुद रब ने सनम तुझको क्या शौक सृष्टि कर रचयिता कवि जी लिखल न पर चलना कर्तव्य हमारा है बिरहा कवि संकेत कैलन नजम का लाइन लगल भैया बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई कैसे
उत्पत्ति भइल रहे। ओ बनराय नियम निय देखे लगल ब्रह्मा जी के सिवा वहां कोई रह ना। ए भैया ब्रह्मा जी का सेवा करे में ऊ बंदर आज देखी सोचत बा कि ब्रह्मा जी के सिवा यहां तो कोई बा नहीं। इतना दिन सेवा करत हो गई आज हम जाई कहीं घूमे ठहरे। ए भैया बनरे का जात निकलल बा ब्रह्मा जी के छोड़ के जब घूमे चलल बा तो कुछ कुछ दूर जाए आ कोनो जगह ही देख के बैठ जाए। आज जब जगह ही देख के बैठ जाए वो गर्मी फूके एकदम हालत खराब हो जाए लगे खजुआवे। कुछ दूर फिर जाए फिर बैठे फिर लगे खजुआवे। प्यास लगल तो बनरा सोचे लगल कि हम पानी कैसे पाई आ कैसे पानी पी। यदि पानी ना मिली तो हमके जान से हाथ धोवे के पड़ जाई। ए भैया नजर पड़ल एगो सरोवर के ऊपर देखले बा बंदर की वो सरोवर में पंछी उतर उतर के पानी पी रहल बड़ी। धीरे धीरे वो सरोवर के किनारे बंदर पहुंचल बा आ जब बानर सरोवर के किनारे पहुंचल तो वो बनरा सोचलस कि अब पानी तो मिल गई बा हमार जिंदगानी तो बच जाई। ए भैया यही सोच में वो बनरा निहुरल बा पानी के उठा के पिए खातिर। वो बनरा का परछहिया वही पनिया में दिखाई गई। आज भी प्रमाण बा यदि थोड़ा सा भी धूप है यदि आप पानी में देखेंगे तो आपका परछाई जरूर दिखाई देगा। ए भैया वही तरीका से जब बनरा का परछहिया पनिया में दिखाई ना तो बनरा सोचे लगल कि अरे साला एक तो हम पियासल बने आई सरवा बानर इसरवा हम के आके जिहावा था। ए भैया बनरे का जात बुद्धि कितना बा उ बनरा खिनिस में जब खौखिया के दौरे ना तो वही तरह परछैया करत कलस के हित। तू यदि भेटा जैता ना यदि तू भेटा जैता तो ऐसन रेलाई रेलती हड्डी या पसुली तोड़ के बराबर कर देती। ए भैया ये बनरा सोच के पहला सका बिरहा में पहली गीत लग गई भैया। बड़ा पुरान गीत बा कौनो तीन गो सहेली कबिया एक के संगे हो गई। तीनों ससुरार एक के संगे गईली विदाई भइल एक के संगे अइली तीनों खाची उठौली या खुरपा उठौली चल दिली परधनमा की रोहर में घास गढ़े। जब शिवानी में घास गढ़े गईली तो कहली ये सख तोर खुरपा कितनी बढ़िया है। अरे तू गई रलू है तो खूब नून बुदुरी कटल हन सखी लगल रोवे भुकार छोड़ के कलस का बताइए सखी हमार जिंदगी तो जवाल हो गई बा उ बतावे कैसे बतावे भैया। साथ देला लास्ट ले साथ देला कबो साथ छोड़े ला नहीं। आई है पैसा का माने मतलब बहुत नहीं रखता है साहब। जो प्यार और सम्मान होता है प्यार से एक बार कोई अच्छा था बहुत बुढ़ऊ चाचा दादा कह के चल गेलो 56 भोग बना के कोना कामे बा जब प्यार से कोई बोलबे ना कहीं 72 को सामान लिया के अरी बगले धर दा आ
मुड़ी घुमा के हां इग्नोर। अरे बाप रे साया साड़ी घूर रखी अल्लाह लगत हो के दांत लग गए। राहुल जी तो लगल बौखिया बौखिया के खोज सुरेश सला अब अही ले चिढ़ावत रल पिड़कावत रल पिड़कावत रल देती उबनरा सोचे का सोचे आ कहे और कहा हेरा बही बनरा जब पनिया में कूदल बा तब कहत बा कि अरे कहा हेरा इलिया बही शैली में बतावे के पड़ल अरे विधनवा कई
रचल। ए भैया उ बनरा जब पनिया से बाहर भइल त देखी एगो बड़ा सुंदर रूप हो गई लड़की का। आ जब लड़की का सुंदर रूप भइल आ शरीर पे तन पे कहूं कपड़ा नहीं बा, एकदम नंग बदन में वह सुंदरी सोचने लगी कि अरे बाप रे बाप तो मेरे साथ अनर्थ हो गया। यदि रास्तावा से कोई गुजर जाई तो हमार भइले इज्जत चल जाई। उ लड़कियां लगन सोचे बिरह में गीत लगी भैया धीरे धीरे फेरी करवटिया। पहली पहली मुलाकात में ये लोगन से आज हमार पहले भेंट बा। तो वो दुल्ही कहे कि ए जी आज हमार और राउर को पहली मुलाकात बा, आ हमर इतना डर लगता है, एगो काम करी। का कहे अरे धीरे धीरे फेरी करवटिया, धीरे धीरे फेरी करवटिया, सुनाय पिया चरपाता कटिया, धीरे धीरे फेरी चल जाई। तब बोले वो रास्तावा में भइल का आज देखे वो सुंदरी मन में सोच रही है, तब तक वही रास्तावा में थे काम भइल। कौन काम भइल?
महाराज और सूरज महाराज दोनों लोग जात हुन। तबले नजर पड़ल सूरज महाराज के इंद्र महाराज से कलन का हो कुछ देखत हुआ इंद्र महाराज कलन ना कलन की तक नजरिया घुमाई के देखा। ए भैया जब इंद्र महाराज नजर घुमाई के देखलन कलन आए हाय हाय सूरज महाराज कलन का हो तर हो सूर गई बोला लगना पहले हमार नजर पड़ल हो सूरज महाराज कलन की पहले हमार नजर पड़ल बा तो हक हमार बा। अब देखिए राहुल जी यही जस छुआए के शुरू हो गई कलन की नजर हमार पड़ल बा तो पहले हक हमार बा हम हई तो एकरा पे अधिकार हमार बा। ए भैया दोनों जने आपस में बतियावत हुआ तबले बिरहा का गीत चेंज हो गए कौनो नई नवेली दुल्हन बन के ससुराल में गई आ ससुराल से जब नैहर में आई तो अपने भौजाई से कलश खाली अरे बही ले भैया पूछे लगल कि ये बहनी ई काहे इतना उल्टा सीधा बतियाओ तड़ो तो ननद अपना भौजाई से कलस का बताइए भौजाई ऐसन हमार जिंदगी नरक हो गई बा कि जौना संगे तू देख ताक के हमार बियाह कैलू न उ एकदम में निकम्मा मिल हरदम सुतल ओकर चाल ढंग सहूर तन को निक नहीं खे उ कहे का कहे अरे बही ले जरा झोल भौजी रे हम ना जाई कि भौजी रे हम ना जाई ससुरा में दोनों लोग कहत हो यार मन में खलबली मचल बा उ कहे अरे बेनो देवता के ताब दोनों देवता के ताब बगड़ लई मान में हारा रूबे
नजर पड़ल बा इंद्र महाराज सूर्य महाराज अपने में बहसी बहसा कैले हो तबले वो सुंदरी का नजर पड़ल। इंद्र महाराज कहलन कि तोसा बाण है यदि ये करा पे हमार हक ना रही तो तोहू के हम कुछ कर देब ना। आज वो सुंदरी मने ही मन सोचने लगी इंद्र महाराज कहलन कि अब तो से हम लड़ाई करब। सूर्य महाराज कहलन काहे के लड़ाई करबा। इंद्र महाराज कहलन कि आके हमसे लड़ ला यदि चाहे तू जीत जाइबा आ चाहे हम जीत जाई तई दोनों जन्मे में से जे जीत जाई ओकरी सुंदरी हो जाई। ए बाबू आज वो सुंदरी सोचने लगी कि हमारे नाते यदि लड़ाई हो जाई खून खराबा हो जाई तो बड़ा दिक्कत हुई। ए भैया आखिर में भैया का विरह में गीत लग गई हम गौले रहली का लाठी लौर चल जाए लेकिन माता बहन लोग खूब बरात सजल बा अब बर्तिया खाना खात हो आ मतारी बहन लोग बिना छोलले बास डाल देले के मां खूब छिलले गाड़ी गरी आवेली लेकिन ई लोग रात भर गरियो सुनिया जब सुबेरे का जाए लगी हो तो गाड़ी का गवाही पैसा दे के जई हो गाड़ी गवाही रहे थे। एक लाइन और गोली का हई हो अपने बहिनी के यार बुलावे लो सनकार बुलावे लो आंख मार बुलावे लो धोती खोल बुलावे लो ओही ना गरिया में भीगे 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 गरिया में भीगे काहो भीगे भीगे। लेकिन यहां पे गौर करेंगे आज वो लड़की सुंदरी सोचे लगल सोच के मन ही मन कहलस कि यदि हमारे नाते ही कुल लड़ाई कर ली हम तो बड़ा बेकार हो जाई। इंद्र महाराज और सूर्य महाराज के दोनों लोगन के बुला के उस सुंदरी एक थे बात कहलस कितने धीर भरा कितने धीर भरा सूर्य महाराज और इंद्र महाराज के बुला के कहलस कि रे महाराज तनी सा धीर धरी हमके देखत नहीं कि हम कौना स्थिति में बनी
हमके तनी कपड़ा मिल जाए, तनी शरीर ढकी अकरा बाद में कुछ सोचल जाई। ए भैया पहपट के अंदाज में बतावे के पड़ल। सुंदरी एक थे बात कहलस, अरे देवता पाटे दुनिया में कीमती अबतिया माना हो, अरे देवता पाटे दुनिया में कीमती अबतिया माना हो, ता दोनों जने का गम बनबिया और रतिया बतिया माना। जब दोनों जने एलन कवन का एकदम बेकूफे भइल बा का ना मनवा त लड़ाई झगड़ा मत करा, खून खराबा मत करा। ए भैया दोनों लोगन का प्रमाण मिलल, दोनों लोगन का उस सुंदरी औरत के रूप में हो जाती है। जब औरत के रूप में भइल त अल्लाह के लाइन में कभी जिन लिखलन कैसे भैया। अंधा हो जा ललो गवा आ, अरे अंधा हो जा ललो गवा, अरे गबड़ी जा लगा, काम देव सिरावा पर बोले जब सावा, बताऊं गई प्रमाण मिला। प्रमाण क्या मिला? I'm not afraid.
गया। जब उस सुंदरी के शरीर से इंद्र महाराज और सूर्य महाराज का, दोनों लोगों का जब संयोग हुआ, तो आज प्रमाण मिला कि इंद्र और सूर्य का निशानी बाली और सुग्रीव बताया गया। जब बाली सुग्रीव भइलन तो भइल का भैया खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ो। निशानी बाली और सुग्रीव जा करके किष्किंधा का राजा बलि बन गइलन। आज जब किष्किंधा का राजा बलि बनलन हो भैया, तो देखी अपने बल की द्वारा बाली को। लोग कहते थे कि यदि बाली से कोई लड़ाई करे जात रहे तब बाली का आधा बल आगे सामने वाला के, आधा बल बाली के आ जात रहे। आज वही वजह से देखी बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव का पत्नी के अपना लिहल। आज पत्नी के अपना लिहल तो यही पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जब वनवास भइल, वन में सीता हर गईली। जब वन में सीता हरल गईली तो राम और लक्ष्मण दोनों लोग माता सीता के खोजत जात रह, तब सुग्रीव से मुलाकात भइल। जब सुग्रीव से भेंट भइल तो आज देखी सुग्रीव सारी बात रो रो के बतौलन कि बाली हमार औरत हमरे धर्म पत्नी के अपने बल द्वारा अपना लिहले बा। ए भैया तो आज देखी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी करते हैं क्या, अरे तड़के आड़ से तब मारे रघुराई। ए भैया बाली और सुग्रीव में कौनो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहे। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब जब बाण धा के चढ़ावे कि अब मारी तब मारी, तब ले वो भुला जा कौन बाली हो कौन सुग्रीव हो। हम सकल रहा एगो माला अपने निशानी, अपन निशानी देहलन कि हम एकरे वजह से मार दे। ए भैया जौने समय लड़ाई बाली और सुग्रीव में होत रहे वही समय बाण चढ़ा के, और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब बाण छोड़न हो भैया, तब आज देखी आवाज लगा करके कहता है, अरे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ये कहाँ की न्याय है। यदि लड़ाई करना है तो सामने से आकर के लड़ाई किए होते, ये छुप छुप के कायरों की तरह, वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, कहता है ये कायरों की तरह आपने मेरे ऊपर क्यों बाण चलाया। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे बाली तू द्वापर युग में बहेलिया का रूप धारण करेगा, जब बहेलिया के रूप में आएगा तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तो मैं ही भगवान कृष्ण का अवतार जब मेरा होगा तो तुम करोगे क्या। भगवान राम बताओ तुम, अरे ताड़ के आड़ से तब मारे रघुराई, आप बदला हमसे लोग पाली द्वापर में जाई। अरे काधा को प्याधा मारे मिटल कुल के करवा, तब कोई ना यजमा पाया जग में।
द्वापर युग में कृष्ण अवतार जब होता है तो वही बाली बहेलिया के रूप में, जो कि आप सभी लोग वीडियो में देखते हैं कि बाली बहेलिया के रूप में एगो बहेलिया आई और भगवान कृष्ण सोवल हुन आ जाय के मार देले बा बाण अतरुए में जाके लग गईल बा। आज देखे लास्ट में गुरघराने का परिचय बताया गया, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल बरबा का अरे सर गए कवि चंदिका बच्चन के पीछे पताका अरे विधनवे कैसन ब्रह्मा रचल अरे सीमा